कैसे हो बाल दोस्तों, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में हिंदी विषय का अभ्यास करेंगे। उसमें आपको सबसे पहले बुक कौन सी लेनी है, नई बाल सुलभ माला पार्ट वन, जिसमें हम आज चैप्टर वन की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले पेज नंबर वन निकालना है। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है वर्ण ज्ञान, यानी कि लेट्स लर्न द अल्फाबेट। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है स्वर, स्वर यानी कि वोवेल्स। नीचे लिखा है हर वर्ण की ध्वनि को सुनिए, लिसन टू द साउंड ऑफ ईच लेटर। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि नीचे क्या दिया है। नीचे है स्वर, ऐसे लेके यहाँ तक आप सेकंड स्टैंडर्ड में सीख चुके हो, आज हम उसका रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट वोवेल्स कौन सा होता है, वो होता है अ। अ से क्या बनता है, तो अ से बनता है अनार। अनार यानी अनार को इंग्लिश में कहते हैं पोमेग्रेनेट। अ के बाद आता है आ, आ से बनता है आम, उसको इंग्लिश में कहते हैं मैंगो। आ के बाद इमली, इमली को इंग्लिश में कहते हैं टमरिंड। उसके बाद ई, ई से बनता है ईक, ईक को कहते हैं सुगर केन। तो ये चार वोवेल्स आपको समझ में आ गए, ओ आ ई ई। अभी इसके बाद सेकंड पेज पे, सेकंड पेज है जिसमें भी पांच वोवेल्स दिए गए हैं। फर्स्ट है ऊ, उसे बनता है उल्लू, ओएल। उसके बाद ऊ, ऊंट, ऊंट को कहते हैं कैमल। उसके बाद री, री से बनेगा ऋषि, ऋषि को क्या कहते हैं सेज। नेक्स्ट वोवेल ए, ए से एक, एक को कहते हैं वन। नेक्स्ट वोवेल ए, ए से एनक, स्पेक्टेकल्स। ये पांच भी आपको समझ में आ गए होंगे। ऊ, ऊ, री, ए, ए। पेज नंबर थर्ड पे आ जाइए। पेज नंबर थ्री में लास्ट फोर वोवेल्स दिए गए हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे है ओ, ओ से ओखली, ओखली को कहते हैं मोटर। इसके बाद ओ, ओ से औरत, औरत को कहते हैं वुमेन। नेक्स्ट है अम, अम से अंगूर, अंगूर यानी कि ग्रेप्स। उसके बाद अह, अह से कोई भी लेटर नहीं बनता है, अह से प्रातः, प्रातः यानी कि मॉर्निंग। ये चार आपको समझ में आ गए होंगे, ओ, औ, अम, अह।
अब नीचे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूरे के पूरे वोवेल्स दिए गए हैं। हम एक बार उसको रीड कर लेते हैं। ओ आ ई ई ऊ ऊ री ए ए ओ औ अम अह। एक बार फिर से हम इसको बोल लेते हैं। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईक, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट, री से ऋषि, ए से एक, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, अह से प्रातः। तो बाल दोस्तों, ये जो सारे वोवेल्स है वो आपको लर्न करके रखने हैं।